सो यहाँ पे गाड़ी बीच में फंसी हुई थी, आधा पार्ट जो वो आगे पड़ा हुआ था, आधा मतलब यहाँ पे था। तो बच्चे ना भाई देख के खुश हो रहे हैं, पता है। ओ अंकल जी कहाँ जा रहे हो यार, क्या करते हैं यार? बहुत सारे लोग ना मतलब जानना चाहते हैं कि भाई कितना सर्विस कॉस्ट इसकी आती है भाई। तो मैं आपको बता दूं भाई, 300 रुपये का सिर्फ इसका चेन सेट डला हुआ है। क्योंकि जितने में हमारी क्रेटा की सर्विस हुई है उतने में भाई इसकी भी मतलब सर्विस और चेन सेट हुआ है। ओ भाई पीछे से पूरी गाड़ी अंदर घुसा दी हुई भाई। टाटा की गाड़ी तो बहुत मजबूत होती है पर ये गाड़ी ना ठीक। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खैरियत से होने चाहिए। तो आज मेरे साथ कौन है भाई? फरहान अवान। तो ये ना जब भी मैं जैसे ही निकलता हूँ कहीं भी राइड के लिए ना, तो ये क्या करता है, मैं जब तक शूज़ लगाता तब तक ये हेलमेट को लेके वीडियो बनाता रहता है। तो आज मैंने बोला भाई पीछे आ जाओ, बोल भाई कुछ बोलना है कुछ। सो अभी जा रहे हैं हम राइड के लिए, तो बाकी बातें जो करते हैं सारी करते हैं मोटर व्लॉग पे। बाय बाय। अभी हम आ चुके हैं मोटर व्लॉग पे और आज का जो व्लॉग है ना वो रहने वाला है अपनी बीस्ट पे। और काफ़ी टाइम के बाद आपको पता है मैं इसको निकाल रहा हूँ। अभी चल रहे हैं हम भाई चित्रा वाली साइड और ठंड की पूछे मत भाई, ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब ठंड को देखा जाए तो बाइक निकालने का दिल नहीं करता, पर क्या करें भाई निकालना पड़ेगा, काम नहीं है उसके अलावा कुछ भी। धुंध देख पा रही हूँ आप काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी धूप भी है, बीच में धुंध भी है, तो हाथों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। तो आज ना हम इसकी जा रहे हैं इसके सर्विस सेंटर में भाई, क्योंकि ना इसकी मुझे सर्विस करवानी है, चेन सेट डालना है, जो भी छोटा मोटा काम है ना वो करवा के इसको एकदम से ना ओके एक नंबर बनाना है भाई। जैसे कि आप सबको पता ही होगा एक दिन पहले ना यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, वो भी बहुत दर्दनाक खतरनाक वाला। मैं बता देता हूँ आपको कौन सी जगह पे हुआ है। ओहो बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मैं ग्लव्स भी लगा लेता हूँ और बता देता हूँ भाई, ये जो जगह है ना ये है वो खतरनाक जगह जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी बिल्कुल ना दो हो गई थी बीच में से, तो यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे थोड़ा मोटा सामान पड़ा हुआ यहाँ पे। सो यहाँ पे गाड़ी बीच में फंसी हुई थी, आधा पार्ट जो वो आगे पड़ा हुआ था, आधा मतलब यहाँ पे था। तो मैं तो मतलब थोड़ा सा रुका हुआ नहीं था यहाँ पे, जल्दी जल्दी में निकल गया था। तो यहाँ पे थोड़े बहुत निशान भी देख पा रहे हैं आप, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है भाई, इसके साथ गाड़ी लग के इसका कुछ नहीं गया हुआ, देख रहे हो गाड़ी तो बिल्कुल दो हो गई है। तो अभी निकलते हैं, ग्लव्स वगैरह लगा दिए हुए, तो मुझे पता है कि उतने ज़्यादा ग्लव्स ये काम करने वाले हैं नहीं, पर फिर भी यार। और इसमें फ्यूल भी डालना है तो पहले यहाँ पे पेट्रोल डाल लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। अरे मैंने नहीं सोचा था कि मैं यार ड्यूक 250 ही लूँगा, पर जब मैंने पहली बार ड्यूक 250 चलाई ना नई वाली भाई, दिल आ गया कसम से इस बाइक पे। और मैंने फिर मैंने ये सोच लिया भाई या तो लेनी है ड्यूक 250 या RS नहीं निकालने का प्लान था, दोनों में से मतलब एक का। फिर ये मिल गई बाइक तो भाई ने ले ली आपके ने, तो ना मतलब ये बाइक ही ऐसी आप इसको चलाओगे आपको इससे प्यार हो जाएगा, इतनी खतरनाक चीज़ है भाई ये। तो अभी हम जा रहे हैं फुल पावर अपने KTM के सर्विस सेंटर में। अभी मुझे पता भी नहीं है वो है कहाँ पे, वो अभी वहाँ पे जाके ढूंढना पड़ेगा भाई। सो देखते हैं कि क्या कुछ रहता है आज। तो आज मेरे साथ आकिब हफीज़ है भाई, मैं बताना चाहूँगा हाथों की भाई कुल्फी बनने जा रही है भाई, इतनी ज़्यादा ठंड है, ग्लव्स लगा के भी क्या बात है यार। मतलब एक तो काफ़ी टाइम के बाद अगर आप बाइक चला रहे हो ना 2-3 दिन के बाद, तो फिर तो और ज़्यादा ठंड लगती है भाई आपको। अगर आप रोज़ चलाते रहते हो डेली कंटिन्यूस, फिर आपको थोड़ा बहुत आदत होगी होगी ठंड के साथ रहने में। पर तो बच्चे ना भाई देख के खुश हो रहे हैं, पता नहीं क्या। तो आपके पास हेलमेट पे कैमरा लगा हो ना और कोई भी बाइक हो तो आपको ना अलग ही रिएक्शन मिलेंगे भाई। सो अभी हमें खाली रोड मिल गई आगे भाई, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी सारा ट्रैफिक जाम हुआ करता था, आज नहीं है भाई। आज ठंड की वजह से मुझे लगता है लोग ना घर में ही बैठे हुए हैं। सच बताऊँ जब ठंड होती है ना तो लोग मतलब बाहर निकलने का दिल ही नहीं होता। मेरा पर्सनली अपना बताऊँ, मुझे खुद नहीं निकलने का दिल हो रहा था, कितने दिन से इसकी सर्विस करवानी थी इसी वजह से नहीं निकल पा रहा था यार। ठंड है बाहर, बाइक पर गाड़ी वाड़ी का काम होता था चले जाता था मैं, पर बाइक पर नहीं। तो आज जब धूप थी ना, जब मैं सुबह उठा धूप थी अच्छी खासी, मैंने बोला भाई आज तो चलते हैं भाई। अब जैसे घर से निकल के आ गए फिर वापस मौसम चेंज हो गया भाई। सो यहाँ पे हमें हल्का फुल्का फिर से ट्रैफिक मिलने वाला है क्योंकि रेड सिग्नल है भाई आगे। अंकल जी कहाँ जा रहे हो यार, मेरा दिल। ओ अंकल जी कहाँ जा रहे हो यार, क्या करते हो यार, देख रहे हो क्या बंदे, और आगे से कर कैसे रहे थे, समझ नहीं आती यार क्या बनेगा लोगों को। देखो ये सर्विस लेन है, इसमें फिर भी बंदा जा सकता है, मगर यार हाईवे में लॉन्ग साइड जा रहा है बंदा। सो अगर किसी को नहीं पता भाई KTM का सर्विस सेंटर कहाँ है, तो मैं बता दूँ ये जो मतलब 44 से थोड़ा सा नीचे जाके ना ये जो गली जाती है भाई, यहाँ से अंदर जाना है कहीं, अभी मुझे भी कंफर्म नहीं कि यहाँ से अंदर जाके कौन सी जगह है, पर है यहीं से अंदर कहीं भी भाई। लेकिन भाई KTM के सर्विस सेंटर
अपनी बाइक लगा दी हुई यहाँ पे, तो सर्विस वगैरह जो भी है यहाँ पे होने स्टार्ट होने लगी हुई, तो इसका चैन सेट भी डल जाएगा, बाकी जो भी इसमें छोटा मोटा मैंने भैया को बोला सब इसको ना ओके करके दो मुझे। सो गाइस अभी बाइक हमने छोड़ दी हुई है सर्विस सेंटर में, तो अभी हम कहीं जा रहे हैं घूमने घूमने, क्या करें भाई बैठ बैठ के बोर हो जाएंगे बसों की तरह, तो अभी सोच रहे हैं कहीं निकले। तो यहाँ पे ना ऑटो वाटो भी कुछ नहीं है, गाड़ी कुछ वैसे मतलब लोकल गाड़ियाँ चल रही हैं पर्सनल, सो अभी देखते हैं अगर कुछ मिल जाता है तो जाएंगे भाई चक्कर वक्कर लगा के आते हैं। अभी आ गए हम ऑटो में, तो कुछ यहाँ के सीन देखो ऑटो में फिर भी ठंड नहीं लग रही भाई, बाइक में बहुत ज़्यादा ठंड है। चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अभी यहाँ पे अपनी चाय आ गई हुई है। अभी हैं हम भाई पढ़े लिखे चाय वालों के पास, तो चाय की टेस्ट चुस्की लेके बताते हैं कि चाय कैसी बनी हुई। बहुत अच्छी मस्त चाय बनी भाई, मस्त। ये है पढ़े लिखे चाय वाले वे मॉल के बिल्कुल सामने। सो अभी चाय वाय पीते हैं और देखते हैं कि आगे के क्या सीन्स रहते हैं। सो अभी हम ऐसे चक्कर लगा रहे थे तो हमें कोई अपने साथी मिल गए हैं, ये अपने परवेज भाई हैं, अमीन भाई हैं, पीछे दो भाई बैठे हुए हैं, ये है अपने आमिर खान भाई खन्नी बोस। इन पे अगर आपको एक पूरी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। तो अभी ये इनका फुल साइज़ आपको नहीं दिख रहा होगा, ये आपको डिटेल में दिखाएंगे, तो उसके लिए आपको कमेंट करके बोलना पड़ेगा भाई कि फुल वीडियो लाओ। तो ये आए थे भाई TVS में बाइक निकालने, तो भाई ने बाइक निकाल दी हुई है, तो अभी जा रहे हैं वापस। ठीक है फिर जाओ, ओके भाई। तो अभी खा पी के हो गए ठीक, तो अब चल रहे हैं भाई पैदल थोड़ा बहुत, तो फिर उसके बाद ना ऑटो में बैठ के फिर से जाएंगे कंपनी सर्विस सेंटर, तो देखते हैं कि बाइक का कितना काम हुआ कितना नहीं। गाइस देख पा रहे होंगे ये पुराना फिल्टर है, तो इसकी क्या कंडीशन हुई हुई है, बड़ी हुई भाई बिल्कुल ख़त्म हुआ, बड़ा बिल्कुल जाम हुआ, इसलिए बाइक में ना बहुत ज़्यादा मतलब घुटन सी हो रही थी। इसका जो ब्रेक लीवर था ये भी चेंज हुआ था, इसमें ना RC वाला लगा हुआ था ये वाला, तो ये निकाल के फिर से इसका ड्यूक वाला लगा दिया, वो स्ट्रेट में तो इसमें थोड़ा सा बैंड टाइप में, तो ये निकाल के मैंने रख लिया हुआ, ये भी कभी ना कभी काम आ जाएगा। सो अभी अपनी बाइक का काम जो है हो चुका है, चेन सेट नया डल गया, वो सर्विस पूरी कंप्लीट हो गई। तो मैं बता दूं भाई बिल कितना आया आपको, क्योंकि यार बहुत सारे लोग ना मतलब जानना चाहते हैं कि भाई कितना सर्विस कॉस्ट इसकी आती है भाई, तो मैं आपको बता दूं भाई 3200 रुपये का इसका ना 3500 रुपये का सिर्फ इसका चेन सेट डला हुआ है। इसमें शायद लिखा नहीं है पर भैया बोल रहे थे कि 3200 का इसमें चेन सेट डला हुआ है, तो टोटल मेरा जो बिल आया भाई वो आया है 6979 यानी कि 7000 रुपया। तो इसमें सर्विस मान लो 3500 रुपये लग गया सर्विस, और पीछे वाले ब्रेक शूज़ भी चेंज किए, और इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्लिप ये स्विच वगैरह चेंज किए, तो 3500 उसमें आ गया और 3500 की इसमें चेन सेट पे। ओके थैंक यू। सो अभी ना एकदम से ओके कर दिया हुआ बाइक हमने, तो सिर्फ इंडिकेटर जो पीछे वाले थे वो नहीं थे इनके पास, बाकी वो भी डला देने। जो फील अभी आ रहा है ना मेरे को क्या ही बताऊँ भाई, एक नंबर फील आ रहा है यार, एक नंबर बिल्कुल बाइक जो मैंने सेट कर दी हो, क्योंकि यार मैं आपको पता है कोई भी चीज़ रखता हूँ ना तो साथ साथ में बिल्कुल सेट रखता हूँ। अभी थोड़ा सा खींचते हैं इसको, ओहो क्या बात है भाई क्या बात है, मैंने इस फील के लिए काफ़ी वेट किया है भाई, क्योंकि मुझे पता था जब इसकी सर्विस और इसका चेन सेट डल जाएगा ना फिर ये वाला फील आएगा। ये मतलब आपको कैमरे में उतना जस्टिफाई नहीं हो पाएगा मुझे पता, पर जो चलाने का फील मुझे इस टाइम आ रहा है ना भाई वो भाई नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल बोल रहा हूँ भाई वो वाला है भाई। ओहो और गियर शिफ्टिंग इतनी स्मूथ होगी ना, इतनी स्मूथ कि, और एक चीज़ मैं मतलब सोच रहा हूँ कि जितने में हमारी क्रेटा की सर्विस हुई है उतने में भाई इसकी भी मतलब सर्विस और चेन सेट हुआ है। सो ये देख रहे हो कि कितना ज़्यादा मतलब इसका खर्चा होता है भाई, जितनी बड़ी गाड़ी जितना बड़ा बाइक मतलब होगा ना बाइक या गाड़ी उतना ही ज़्यादा खर्चा होगा भाई, इतना मैं आप सबको बोल दे रहा हूँ। तो हमने ना इसका पोल्यूशन करवाना है भाई, तो यहाँ पे ना ऑनलाइन पोल्यूशन होता है भाई, आके पूछना इनसे ऑनलाइन पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होता है भैया? हाँ ऑनलाइन होता ना, वहाँ भी लगानी है। अभी हमने पोल्यूशन करवा दिया, ये ऑनलाइन पोल्यूशन कराया, ये पेट्रोल पंप के सामने यार्ड नंबर 2 में शॉप नंबर 7 पे भाई वहाँ से करवाया, ये ऑनलाइन हो गया, मतलब ऑनलाइन जैसे हम किसी भी ऐप में चेक करते हैं वहाँ पे हमारा RC का स्टेटस पता चल जाता है और अपने इंश्योरेंस का पता चल जाता है कि कब तक वैलिड है, तो वैसे ही पोल्यूशन भी अब हमें ऑनलाइन ही पता चल जाएगा, तो उसकी भी हमें हार्ड कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ओ भाई पीछे से पूरी गाड़ी अंदर घुसा दी हुई, टाटा की गाड़ी तो बहुत मजबूत होती है पर ये गाड़ी ना ठीक तरीके से लगी किसी गाड़ी के साथ, ट्रक ट्रुक के साथ लगी होगी, बहुत बुरा हाल है भाई। चल टाइम है भाई चाय पीने का, यहाँ पे ये बत्रा में भाई दुकान है भाई की, यहाँ पे भाई बहुत मस्त चाय मिलती है भाई, मेरी रिकमेंडेशन है भाई जरूर पिए एक बार ट्राई करें, बहुत सही चाय है भाई।
लजीज। तो जब भी रोड पे चढ़ो भाई, अगर आप साइड पे रुके हो कहीं पे, ठीक है, उसके बाद रोड पे चढ़ते हो ना, पीछे ज़रूर देख लेना चाहिए भाई, क्योंकि पीछे वाला जो बंदा है वो तो अपने फ्लो में जा रहा होगा। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आराम से ना पीछे देख के चढ़ें। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अच्छे से और मस्त वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।